जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कोई इन्फॉर्मेशन? यस मैम। बोलो। मैम वो बात तो इम्पोर्टेंट है बट समझ गए। अब बोलो, जल्दी बोलो। मैं मैंने आयुष सर को ऋषि सर की केबिन की तरफ भागते हुए देखा है। बट क्यों? आई थिंक उन्हें पता चल गया है कि मुकेश अब गायब है। व्हाट? अगर ऋषि को पता चल गया कि मुकेश मिसिंग है तो क्या हो सकता है? नो, मूव। क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी तुझे? पता ऋषि भाई अपना वो शेफ नहीं है मुकेश? हाँ। वो मिसिंग है, जब से हादसा हुआ उसके बाद से गायब है वो। व्हाट? मुकेश मिसिंग है? You mean possible suspect? अब तो शक उसी पर है। Didn't I tell you, ऋषि, ये किसी की साजिश भी हो सकती है। मुकेश, अगर सच में मुकेश कल्प्रिट निकला ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो तुम? मलिश का अभी तुम्हें लग जाती, बोलना चाहिए था ना। क्या बोलना चाहिए? कि तुम आई हो और क्यों आई हो, और अगर आई भी हो तो यहाँ साइलेंटली क्यों खड़ी हुई थी? अगली बार ना मैं डीजे लेके आऊंगी अपने साथ। अरे यार तुम भागते हुए यहाँ पे आए थे ऋषि के पास, तो मैं आई गॉट वरीड, मुझे डर लगे कि ऋषि तो ठीक है ना। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ? मैं ठीक हूँ मनिष्का, इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा बेटर हूँ, क्योंकि जो कल्प्रिट है ना उसका नाम पता चल गया। कल्प्रिट क्या? लेकिन ये तो लक्ष्मी ने की, आई मीन उससे गलती से हुआ ना, ये सब अनजाने में हुआ था। लक्ष्मी ये गलती कभी अनजाने में भी नहीं कर सकती है मनिष्का। कोई है जिसने लक्ष्मी का नाम खराब करने की कोशिश की? कोई और है? हाँ कोई और है, और हमें पता है कि वो कौन है। किसी और ने? मतलब ये सब किसी और ने किया है? तो कौन है, किसने किया ये? है कोई गद्दार नमक हराम क्रिमिनल? मलिष्का यू नो व्हाट, एक शेफ मिसिंग है मलिष्का होटल में, वो शेफ इसलिए मिसिंग है क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना वो उस मिसिंग इंसान ने किया है। शेफ? कौन सा शेफ मिसिंग है? हमारा सबसे पुराना और ट्रस्टवर्दी शेफ मुकेश। मुकेश? या तुम लोग मुकेश को, अरे मुकेश ये सब कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो अपने होम टाउन गया है ना। व्हाट? हाँ व्हाट? और वो अपने होम टाउन गया, ये बात तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? हाँ बताओ कैसे पता तुम्हें? अरे मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा, परमिशन तो मुझसे ही लेके गया था ना। इनफैक्ट ये बात तो नीना आंटी को भी पता है कि वो अपने घर गया हुआ है। क्या? हाँ नहीं, आर यू श्योर मलिष्का? अरे श्योर मींस व्हाट, तुम चाहो तो नीना आंटी को फोन करके पूछ लो। श्योर? ओह मैन, जब आती बुरी खबर लेके आती है। कमाल है, सब कुछ क्लियर होने ही वाला था कि अभी नया ड्रामा आ गया। आई नो ऋषि भाई, ये सब बताने के लिए तो भाग भाग के आया था आपके पास, पर हुआ क्या, बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ थे वहीं आ गए यार फिर से। यार कोई क्लू नहीं मिला लक्ष्मी अभी को छुड़वाने के लिए। अब कोई बात नहीं आयुष, कब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और सच कभी मरता नहीं है। लेकिन आज कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है ऋषि, एंड दैट शेफ मुकेश वो अचानक अपने होम टाउन चला गया है। आज भी मेरा शक उसी पर है, और उसके वापस आने तक हमें दूसरा सबूत चाहिए, और ये दूसरा सबूत जुटाने में हमें वक्त की जरूरत है। समय तो नहीं है सर हमारे पास, कल हियरिंग है लक्ष्मी भाभी, कैसे छुड़वाएंगे उन्हें, क्या करेंगे हम हियरिंग में? एक रास्ता है। क्या? लेकिन वो रास्ता है बड़ा मुश्किल, और उसके लिए तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा ऋषि, क्योंकि तुम्हारी मंजूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। फिर आ गया तू? ये आपके लिए। रिश्वत दे रहे मुझे? रिश्वत? अरे इंस्पेक्टर कमाल कर रहे, मैं आपको रिश्वत कैसे दे सकता हूँ, ये तो गुड न्यूज के लिए, और गुड न्यूज ये है कि लक्ष्मी कल रिलीज हो रही है आपके जेल से, और उससे भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि कल से आपको मुझे भी नहीं देखने का मौका मिलेगा, मिस करेंगे आप मुझे, इसलिए कह रहा हूँ गुड न्यूज के तौर पे दे रहा हूँ, रिश्वत के तौर पे नहीं। लीजिए। ठीक है, लीजिए लीजिए, बहुत अच्छी है। हाँ ये लीजिए, आप भी लीजिए,
कोई बात नहीं, आप दो ले लीजिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर। वेरी गुड। अरे मैम मिठाई। अरे पहले छूट तो जाने दो लक्ष्मी को। आपको डाउट है? आपको ऐसा लग रहा है लक्ष्मी नहीं छूटेगी? कमाल करिए, आप तो पुलिस में हैं और पुलिस वाले एक नजर में क्रिमिनल को पहचान लेते हैं, और आप लक्ष्मी को अभी तक नहीं पहचान पाए। मैम लक्ष्मी कभी भी कोई गुनाह नहीं कर सकती, इससे कल कोर्ट भी उसे रिलीज कर देगा। अरे इंस्पेक्टर कमाल कर रहे हैं आप चाहते हैं कि वो होटल वाला रेस वापस से खेले मेरे साथ? हाँ पकड़म पकड़ाई वाला। क्यों क्यों कर रहे हैं आप इनके साथ ऐसा? क्यों थकाना चाहते हैं? मैं मना करूंगा तभी तुम मानोगे तो है नहीं। मैं मानूंगा आपकी बात। गुड, मतलब तुम मेरी बात मानोगे? बात नहीं सर, एहसान मानूंगा आपका। मैं आपका एहसान मानूंगा। अगर आप मुझे लक्ष्मी से मिलने देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा, वो भी जिंदगी भर। तो ये हुई ना बात। चलो दे रहा हूं मैं तुम्हें परमिशन। थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक दिस। लेकिन एहसान मानना मेरा। जाओ दे रहा हूं परमिशन। फिर आ गए तुम? मतलब? मतलब जब सच में आओ तब हाय बोले। हाय, सच में आया हूँ। हाय। ऋषि, तुम सच में आ गए? पर क्यों, तुम दोबारा क्यों आए हो? ठीक है कोई बात नहीं, चले जाता हूँ, बाय। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं तो वेट ही कर रही थी कि मतलब मैं कल का वेट कर रही थी ना, तुम कल आने वाले थे ना, तो इसलिए। अच्छा कल आना था क्या? कोई बात नहीं, गलती से आ गया हूँगा, कल आता हूँ। ओके नहीं ऋषि, नहीं नहीं, ये मिठाई है, स्वीट्स मिठाई तुम्हारे लिए और आप सबके लिए भी। आइए ले लीजिए, आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए, लीजिए ये सब आपके लिए, ये लीजिए आ करो, चलो मिठाई। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि गुड न्यूज, कल तुम इस जेल से रिहा हो जाओगी। इन एडवांस गुड न्यूज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कल तुम कोर्ट में बेगुनाह साबित भी हो जाओगे, इसलिए ओके हैप्पी आ करो चलो जल्दी। वो लोग जो हॉस्पिटल में थे सब, वो अब ठीक है ना? दो गेस्ट की हालत क्रिटिकल है लक्ष्मी, पर तुम्हें नहीं बताऊंगा वरना तुम और परेशान हो जाओगे। वैसे भी हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो करेंगे डॉक्टर्स करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। ऋषि बोलो ना। हाँ लक्ष्मी सब ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ किसी को भी। ओके माता रानी का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। आज का ना दिन ही बहुत अच्छा है। क्यों आज ऐसा क्या हुआ है? अभी तुमने बताया कि हॉस्पिटल में सब लोग ठीक है, और तुम्हें पता है हाउजी भी मिलने आए थे। C5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।